देश के चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद पर उतरते समय इसरो से संपर्क टूट गया, जिसके बाद हर किसी के चेहरे पर निराशा नजर आई। लेकिन पूरा देश आज इस कोशिश के लिए इसरो की सराहना कर रहा है। पीएम मोदी समेत कई बॉलीवुड स्टार्स ने इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ की है और कहा है कि इसरो से बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं। वहीं अब इसरो की तारीफ करने के लिए बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी आगे आए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बिना प्रयोग के कोई भी विज्ञान सफल नहीं हुआ है। कभी कभी हम सफल होते हैं, कभी कभी हम सीखते हैं। इसरो के शानदार दिमाग को सलाम। हमें गर्व है और विश्वास है, चंद्रयान 2 जल्द ही चंद्रयान 3 के लिए रास्ता तय करेगा। हम फिर उठ खड़े होंगे। तो देखा आपने, अक्षय ने इस ट्वीट के जरिए दिल छू देने वाली बात कही है। बताते चले कि हाल ही में उनकी फिल्म मिशन मंगल रिलीज हुई थी, जो कि भारत के पहले मार्स ऑर्बिटरी मिशन के सफल कोशिश के पीछे की कहानी है। वहीं अक्षय के अलावा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयास को सलाम किया है और इसरो को अपना गर्व बताया है। उन्होंने लिखा, गर्व को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, हमारा गौरव ही हमारी जीत है। इसरो पर गर्व है, तो ना थकेगा कभी, तो ना मुड़ेगा कभी, तो ना थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आपको बताते चलें कि लैंडर को रात लगभग 1:38 पर चांद की सतह पर लाने की तैयारी शुरू की गई, लेकिन चांद पर नीचे की तरफ आते समय 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जमीनी स्टेशन से इसका संपर्क टूट गया। बावजूद इसके भारत के लोगों में अभी उम्मीदें बाकी हैं। लोगों को इस बात का भरोसा है कि इसरो अपने इस मिशन में कामयाब होगा। वैसे आपका चंद्रयान 2 पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप वो लोग हैं जो माँ भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो माँ भारती की जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो माँ भारती के लिए जज्बा रखते हैं, और इसलिए मां भारती का सर ऊंचा हो, इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने सपनों को समाहित कर देते हैं। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था, और उसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका। कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं आपसे बातें करूं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था, बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है,
जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे, मैं देख रहा था उसे। मन में स्वाभाविक प्रश्न था, क्यों हुआ, कैसे हुआ? और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच, विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है, और मजबूत हुआ है, और दृढ़ हुआ है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, माय साइंटिस्ट फ्रेंड्स, For the last few hours, the entire nation was awake. We were awake in solidarity with our scientists who had embarked on one of the most ambitious missions of our space program. We came very close, but we will need to cover more ground in the times to come. Every Indian is filled with a spirit of pride as well as confidence. We are proud of our space program and scientists. Their hard work and determination has ensured a better life not only for our citizens but also for other nations. It is the outcome of their innovative zeal that several people have got access to a better quality of life, including better health care and education facilities. India is certain that there will be many more opportunities
टू बी प्राउड एंड रिजॉइस. थैंक्स. एट द सेम टाइम वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट व्हेन इट कम्स टू अवर स्पेस प्रोग्राम द बेस्ट इज येट टू कम.